नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल चौबीसा। आप देख रहे हैं 3N न्यूज। जैसा कि आपको बता रहे हैं, आज डूंगरपुर जिले के साबला उपखंड स्तर से बनने वाली जो PWD विभाग के अंतर्गत आती है सड़क, उसकी साबला उपखंड स्तर से पचलासा बड़ा तक बनने वाली सड़क जो तालोरा और काकड़ा से होती हुई पचलासा मिलती है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर का अंतर है, उस सड़क में पूरी तरह से PWD विभाग की लापरवाही की वजह से ठेकेदार ने घटिया निर्माण करते हुए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डामर सड़क बनकर तकरीबन 10 से 15 दिन हुए हैं और इस सड़क के अंतर्गत हरी हरी घास उग चुकी है। जो यह घास, हरी हरी घास जो है, तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक के फासले में है। साबला बस स्टैंड जो मेन उदयपुर बांसवाड़ा रोड है, वहाँ से टच जो सड़क हो रही है, वहीं से लगाकर तालोरा पंचायत, तालोरा गांव तक पूरी तरह से इस सड़क के बीचों बीच हरी हरी घास उग चुकी है, जिससे ग्रामीणों में काफ़ी रोष और नाराज़गी है। ग्रामीणों का कहना है कि यही हाल रहा तो तकरीबन यही सड़क 10 से 15 दिन में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। और ये रोड PWD के अंतर्गत है, साबला से पचला छोटा रोड में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। पूरे रोड में मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, रोज़ मेरा यहाँ आना जाना रहता है। रोड में दोनों पटरियों पर करीब 1 से 1.5 फीट ज़मीन पर घास उग रही है, यानी न ही इस डामर की थिकनेस है और न ही सही मात्रा में या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये रोड जल्दी से 15 से 20 दिन में या महीने 2 महीने में वापस टूट सकता है। हिंदी दादी है ना, हमें वाकड़ी में बात करा। आ रोड जो बने साबला दिखे फसला सा बिल्कुल घटिया काम करियो है, कोई प्रकार ना हमें किने कहवा संग आता हमारे तो नहीं इतिम जाने का, हमें तो ऊपर थी आया है, एक ध्यान नहीं दी दो। और एक मतलब एक तो डामर खुली क्यों, एक एक इंच तक मतलब है हेता रोड माते मेरे पर दरू गिरी है। कोई नहीं दरू ने मैं थी कि आड़ा डामर ने मैं थी कि दरू की थी। जब काम चालू था तब आपने उन काम करने वाले मजदूरों को कहा गया था, बताया था उनको? ये काम करने वालों को हमने बताया, जरा काम अच्छा करो अच्छा करो, लेकिन वो तो बात नहीं सुनते, वो तो वहां से आए ऊपर से आए वो तो।